मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ एनबीसी, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल गोइंग टू आवर ऑनलाइन क्लासेस सब्जेक्ट एसएसटी। दिस इज द सेकंड चैप्टर, द पार्ट 2, टॉपिक पार्ट 2। यानी सेकंड चैप्टर में जो है ना वो बहुत लॉन्ग पार्ट में डिवाइड है, उनमें से हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट पार्ट में इसका पढ़ चुके हैं, सॉइल के बारे में, अबाउट सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सॉइल क्या है, सॉइल प्रोफाइल क्या है, सॉइल फॉर्मेशन क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है ना, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो फर्स्टली वी विल नो अबाउट इन दिस टॉपिक, द सब टॉपिक आर नेचुरल वेजिटेशन, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी नेचुरल वेजिटेशन क्या है, बायोस्फीयर क्या है, इकोसिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन यानी नेचुरल पेड़ जो पौधा है वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बंटन और उसके साथ कंजर्वेशन यानी संरक्षण ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। सो फर्स्ट वी विल गो व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या है, नेचुरल वेजिटेशन का हिंदी मीनिंग क्या है ना, स्वाभाविक वनस्पति। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है, वेजिटेशन क्या है, एनी पेड़ पौधा यानी एनी ट्रीज, एनी शार्प्स। जो वेजिटेशन क्या है ना, हम लोग का आसपास जो पेड़ पौधा देखते हैं, जो ग्रास वगैरह, जो शार्प्स वगैरह देखते हैं, क्योंकि वेजिटेशन में कहना तीन प्रकार का स्टेप आता है। एक कहना लॉन्ग ट्रीज यानी लंबा लंबा पेड़, फैला हुआ ग्रास और साफ मतलब झोपझड़ी, रास्ता के साइड में जो कांटा टाइप का पेड़ जाता है, अलग अलग प्रकार का बहुत सारे पेड़ दिखाई देता है, वो कहना नेचुरल वेजिटेशन आ रहा है। तो फर्स्टली कहना नेचुरल वेजिटेशन के अंदर क्या क्या आ रहा है, ट्रीज यानी बड़ा बड़ा जो पेड़ है। सेकंड क्या आ रहा है, ग्रास यानी घास, जमीन के ऊपर फैला हुआ बिछा हुआ ग्रास। और थर्ड क्या आ रहा है, श्राप्स, साफ मतलब क्या है ना, जो झाड़ी वगैरह है, जो बंजर जमीन में उग जाता है उसको बोलते हैं साफ। ये क्या है, नेचुरल वेजिटेशन में आ रहा है यानी स्वाभाविक जो वनस्पति उसमें आ रहा है। तो हम लोग को जानना जरूरी है नेचुरल वेजिटेशन क्या है, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या है ना, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज विदाउट हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स एनी प्लेस इन ए पर्टिकुलर प्लेस टेक ए लॉन्ग टाइम, यानी कोई भी एक पर्टिकुलर जगह में टेक ए लॉन्ग टाइम, बहुत साल बहुत टाइम लेकर आर ग्रोइंग ट्रीज यानी जो पेड़ पौधा ग्रो होता है यानी उगते है विदाउट हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स, जहां पे कहना ह्यूमन का कोई मदद नहीं रहता है, ऐसा टाइप वेजिटेशन को क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। यानी नेचुरल वेजिटेशन जो उगते है वो डिपेंड करता है ओनली ए लैंड टोपोग्राफी और विथ क्लाइमेटिक कंडीशन। यानी नेचुरल वेजिटेशन क्या है, इन ए पर्टिकुलर प्लेस टेक ए लॉन्ग टाइम, डिपेंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन विथ लैंड स्ट्रक्चर, सॉइल फॉर्मेशन, दोज ट्रीज, दोज ग्रास, दोज शार्प्स आर ग्रो, दे आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। यानी कोई भी एक जगह में बहुत साल लेकर ह्यूमन बींग्स का मदद छोड़कर जो पेड़ पौधा उगते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन आर ग्रोइंग नेचुरली ऑन द डिपेंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन एंड लैंड टोपोग्राफी। सो डिफरेंट प्लेस आर सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वो हम लोग बाद में जाएंगे जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम लोग को नॉलेज हो गया। नेचुरल वेजिटेशन क्या है ना, जैसा कोई भी पेड़ पौधा ग्रास वगैरह जो कुछ है जो कहना जमीन में उगते हैं विदाउट ह्यूमन बींग्स, हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य का मदद छोड़कर जो अपना आप उग जाते हैं, ठीक है ना, किसके ऊपर डिपेंड करके ना, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके और लैंड स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। दैट मीन्स नेचुरल वेजिटेशन आर डिफरेंट लैंड टोपोग्राफी ग्रोइंग डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन। लाइक हम लोग जब डिजर्ट एरिया में जाएंगे
वहां का जो लेयर स्ट्रक्चर उसके ऊपर अलग प्रकार का नेचुरल वेजिटेशन मिलता है, कांटा टाइप का पेड़ जाता है। हम लोग हमारे आसपास यहाँ देखेंगे छत्तीसगढ़ जो इस आसपास देखेंगे यहाँ के जिस प्रकार का नेचुरल वेजिटेशन मिलता है दूसरे जगह में दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन में जाएंगे तो अलग प्रकार का नेचुरल वेजिटेशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर मींस क्या है ना, जीव मंडल, यानी नेचुरल वेजिटेशन के साथ एक रिलेशन है बायोस्फीयर। नेचुरल वेजिटेशन जो उगते हैं ना ये बायोस्फीयर के ऊपर डिपेंड करके ग्रो होता है और बायोस्फीयर जो बनते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करके बनते हैं। बायोस्फीयर मतलब जीव मंडल। बायोस्फीयर किसके रिलेटेड है? अर्थ में जो स्ट्रक्चर है उनमें से क्या है ना, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये तीनों का कॉम्पोज होके जो मिलता है वो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। एटमोस्फीयर मतलब क्या ना, हवा मंडल यानी लैंड सरफेस। फ्रॉम द लैंड सरफेस टू अपर एटमोस्फीयर अबाउट 10,000 किलोमीटर अबाउट जो एरिया है जहां पे क्या ना द एरिया आर कवर्ड बाय ब्लैंकेट ऑफ एयर, यानी जहां के हवा का जो चादर के द्वारा घेरा हुआ है, यानी ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ अबाउट 10,000 किलोमीटर अबाउट जो एरिया है जो गैस जो हवा एयर है उसको क्या बोलते हैं, एटमोस्फीयर। और लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर क्या है ना, लैंड सरफेस ऑन आवर ऑन द अर्थ द थिन लेयर, आर पृथ्वी के ऊपर जो पतला जमीन है उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर यानी जमीन। एक भाषा में क्या बोलता है, जमीन। लिथोस्फीयर मतलब क्या है, जमीन। एटमोस्फीयर मतलब क्या है, हवा मंडल। और हाइड्रोस्फीयर मतलब ऑल वाटर बॉडीज। तो ये तीनों का कॉम्पोज मिला के हमारा जो लाइफ चलता है ना, ये हमारा लाइफ चलता है तीनों के ऊपर डिपेंड करके, कि वी आर स्टैंडिंग ऑन द लैंड। हम लोगों का भी देखिए वो हवा के ऊपर खड़े हैं, बिल्कुल नहीं, वो पैराशूट पे हम लोग हवा के ऊपर उड़ रहे हैं, एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, अलग बात है। तो क्या ना, लैंड के ऊपर हम लोग डिपेंड है। हम लोग लैंड में क्या ना खेती कर रहा है, लैंड के ऊपर घर बना रहा है, रास्ता के ऊपर चल रहा है, तो लैंड के ऊपर हम लोग डिपेंड है। सिर्फ हम लोग नहीं, कोई भी पेड़ पौधा लैंड के ऊपर, कभी पेड़ पौधा हवा में नहीं उग रहा है तो लैंड के ऊपर डिपेंड है। एटमोस्फेयर के ऊपर भी हम लोग डिपेंड है, जैसे करके हम लोग ब्रीथ सांस ले रहा है एटमोस्फेयर के, जो टेक एंड गिव एंड टेक पॉलिसी, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पेड़ लेते हैं, पेड़ हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं, हम लोग लेते हैं, एटमोस्फेयर के ऊपर डिपेंड है। और हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी मंडल, यानी हम लोग को तो पता है जल ही जीवन बोलते हैं। तो क्या ना, ये तीनों चीज के ऊपर डिपेंड करके जो जीवन ग्रो होता है उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर में नेचुरल वेजिटेशन आ रहा है, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन को कहना इसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है तीनों चीज के ऊपर, जमीन के ऊपर उग रहा है, एटमोस्फेयर से अपना जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया प्रोसेस चलाने के लिए CO2 ले रहा है, और वाटर तो ले रहा है, वाटर तो मिलता है एयर में मिलता है वाटर वेपर के द्वारा, और लैंड सरफेस में क्या ना जो प्लेनली जो रन ऑफ वाटर, रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर उसके ऊपर मिलता है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर क्या है? दैट जीव मंडल। बायोस्फीयर क्या है ना, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर डिपेंड ऑन एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर फॉर प्रोग्रेस देयर लाइफ, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना जीवन चलाने के लिए कहना एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के ऊपर डिपेंड करता है, इसको पूरा एक साथ किया जाता है बायोस्फीयर, इकोसिस्टम। तो नेचुरल वेजिटेशन में इकोसिस्टम क्या है, इसमें क्यों इकोसिस्टम आएगा? तो ऑलरेडी हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है, एक यौथ बसवास रीति, यानी ह्यूमन बींग्स या तो दुनिया में कोई लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स वो क्या है ना, खुद के ऊपर डिपेंड कभी नहीं है। जैसे मैं नॉन लिविंग थिंग्स एक बता रहा हूं, मान के चलो एक डस्टर गिर गया, डस्टर ये इनको जब मैं उठाऊंगा तब क्या ना ये काम में लग रहा है, नहीं तो हमेशा के लिए गिरा रहेगा, हवा के द्वारा भाग जाएगा, वाटर के द्वारा राना होकर भाग जाएगा। तो जैसे ह्यूमन बींग्स, मैं, हम लोग, हम सब क्या है ना, कभी खुद के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम लोग को क्या है ना दूसरे के ऊपर डिपेंड करना है। तो कोई भी चाह रहा है, कोई भी चाहिए क्या ना, मैं खुद के ऊपर डिपेंड करेंगे, चलो खुद के ऊपर डिपेंड करो, अपना दुकान में आप, अपना घर में आप खाना बनाते हो, मसाला वगैरह लगता है,
आपको दूसरे दुकान में खरीदना पड़ता है, आप क्या करेंगे, खुद दुकान बनाएंगे, चलो बनाओ। तो ऐसे करके आप कितना दुकान बनाओगे, कपड़ा का दुकान बनाओगे, जो कुछ रहेगा सबका दुकान बनाओगे, बिल्कुल नहीं। तो हम सब क्या है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके रहता है, दैट इज द इकोसिस्टम, टर्म ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, जो तो बसवास देती है इन आवर एनवायरमेंट, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, दे आर ग्रो विथ बोथ इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके अपना जीवन चलाता है, इसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में जो चीज आता है क्या क्या, फूड चेन, फूड वेब एटसेट्रा। क्योंकि जैसे हम लोग कोई भी इकोसिस्टम देखेंगे तो क्या है ना, जैसे हम लोग एक तालाब का एक पॉन्ड का इकोसिस्टम में जाएंगे, एक पॉन्ड में क्या रहता है, पॉन्ड में क्या रहता है, मछली रहता है, उनमें क्या है, तीन चार प्रकार का मछली रहता है, बड़ा बड़ा मछली, एक प्रकार का छोटा छोटा मछली जिसको हम लोग मछली बोलते हैं, लेकिन मछली कीड़ा जैसे हम लोग जानते हैं चिंगड़ी है ना, तो छोटा छोटा जो मछली है वो क्या है ना, तालाब का जो काई वगैरह उनमें से कुछ अपना फूड लेते हैं, आप छोटा छोटा मछली को कहना उससे थोड़ा बड़ा बड़ा मछली खाते हैं, मीडियम साइज का मछली को कहना उससे बड़ा बड़ा मछली खाते हैं, ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। सेम हम लोग भी क्या है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे करके इन्वायरमेंट में हम लोग हमारा सांस प्रक्रिया चलाने के लिए, ब्रीथिंग सिस्टम को चलाने के लिए ऑक्सीजन ले रहा है, कौन दे रहा है ऑक्सीजन, पेड़ पौधा दे रहा है। तो पेड़ पौधा भी ऐसी उनका जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, हम लोगों से ले रहा है, तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग प्रोसेस व्हेयर ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट ईच अदर, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज द लिविंग प्रोसेस व्हेयर ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट ईच अदर। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। सो वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन का बंटन। तो नेचुरल वेजिटेशन का बंटन पहले हम लोग जाएंगे, नेचुरल वेजिटेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड है, क्यों नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट डिफरेंट है। Now, we know that everywhere climatic condition and land structure are different. पृथ्वी के ऊपर हर हर जो अलग अलग प्लेस है ना, अलग अलग प्लेस में जो क्लाइमेटिक कंडीशन और उसके साथ जो लैंड स्ट्रक्चर वो कहना डिफरेंट होता है, उसके हिसाब से कहना नेचुरल वेजिटेशन भी अलग अलग जगह में अलग अलग दिखाई देते हैं। तो उसके हिसाब से कहना नेचुरल वेजिटेशन को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, मेनली नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूट ऑन द डिपेंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। सो ऑन द डिपेंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन नेचुरल वेजिटेशन आर डिवाइड मेनली सम पार्ट लाइक नंबर वन एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट इसका मतलब क्या ना, हरा हरा। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है ना, अर्थ सरफेस में इक्वेटर जो जोन है, जीरो डिग्री जो इक्वेटर जोन है, यहां पर क्या ना साल भर कंटिन्यूअसली क्या ना बारिश होता है। साल भर बारिश होने के लिए क्या ना इस प्लेस में, यानी 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ जो एरिया है ना, इस प्लेस में साल भर कंटिन्यूअसली क्या ना पेड़ पौधा उगते रहता है, और यहाँ पर साल भर कंटिन्यूअसली बारिश होने के लिए यहाँ का जो पेड़ पौधा उसका पत्ता हमेशा हरा हरा रहता है, इसके हिसाब से इसको क्या गया है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आर इन व्हिच प्लेस आर एवरग्रीन फॉरेस्ट लोकेटेड, इक्वेटर एरिया में 10 डिग्री नॉर्थ साउथ जो लैटिट्यूड है ना उसके आसपास एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसका बड़ा बड़ा जो फॉरेस्ट है ना अमेजन, अफ्रीका, अफ्रीका जो फॉरेस्ट है ना वो कहना एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा, यानी इक्वेटर जोन में जो फॉरेस्ट इक्वेटर लाइन बराबर अर्थ सरफेस में जो फॉरेस्ट उगते हैं उसको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे साल भर बारिश होता है। इस फॉरेस्ट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्टली क्या ना, यहाँ पर साल भर बारिश होने के लिए क्या, यहाँ का पेड़ का जो पत्ता है ना हमेशा हरा रहता है। सेकेंड क्या है ना, कंटिन्यूअसली बारिश होने के लिए यहाँ का जंगल में जो पेड़ है ना वो बहुत घिंजी, यानी आसपास बहुत सारे पेड़ उगते रहता है,
ऐसे जंगल में बहुत सारे पेड़, आसपास इस तरह बहुत सारे पेड़ उगते रहता है, टॉपिक एवरग्रीन फॉरेस्ट, आसपास बहुत सारे पेड़ उगते रहता है। थर्ड क्या है ना, बहुत सारे पेड़ आसपास उगने के कारण पेड़ का जो डाल पत्ता एक दूसरे के साथ क्या है ना अटैचमेंट रहता है, जिसके हिसाब से सनलाइट जमीन के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैनोपी यानी चंदोवा, यानी मून लाइट जो रात में जो मून लाइट जैसे होता है, ऐसे दिन के टाइम इस जंगल के अंदर होता है, क्योंकि डाल पत्ता क्या ना एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, सनलाइट नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए यहाँ के अंधेरा टाइप दिखाई देता है। फोर्थ क्या है, कंटिन्यूअस बारिश होने के लिए बारिश का पानी पेड़ का डाल कांड बराबर जब जमीन के नीचे आता है ना, जमीन के नीचे गीला कर देता है, लेकिन सनलाइट नहीं पहुंच पाने से कारण जमीन के नीचे हमेशा क्या होता है, गीला गीला रहता है, और जिसके हिसाब से इस जमीन के नीचे लैंड सरफेस में छोटा छोटा घास उग जाता है। नेक्स्ट क्या है, इस जमीन का जो पेड़ का कांड है ना वो बहुत मजबूत होता है, एक है ना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट जो फॉरेस्ट है उसमें जाएंगे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट क्या है, पत्ता झरना, डिसीडियस के मींस क्या है ना पत्ता झरना। मेनली दिस फॉरेस्ट आर नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट, जो क्या ना हमारा इंडिया में दिखाई देता है। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट क्या है ना, ऐसा कुछ एरिया है जहां पे क्या ना साल भर बारिश नहीं होता है, ओनली फॉर कोई भी एक सीजन में बारिश होता है, लाइक इन इंडिया देयर आर रेनफॉल मोस्टली अबाउंडेड ओनली रेनी सीजन इन द मंथ ऑफ अभी जो चल रहा है। ओके तो इस टाइम क्या है ना यहाँ का पेड़ पौधा का डाल पत्ता उग जाता है, धीरे धीरे जब बारिश कम हो जाएगा, बारिश बंद हो जाएगा, इस पेड़ का डाल पत्ता क्या है ना झर जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। इसमें क्या आएगा, क्या क्या पेड़ आएगा, आम, कटहल, सगुन, ये सब पेड़ आएगा। ओके ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। नंबर थ्री, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके हुआ, ये भी क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके हुआ, साल भर बारिश होता है, यहां पर साल भर बारिश नहीं होता, ओनली फॉर रेनी सीजन में बारिश होता है। नंबर थर्ड, मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या है ना, कोस्टल क्लाइमेट एरिया में जो फॉरेस्ट होता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या ना, दोज फॉरेस्ट आर डिपेंड ऑन द कोस्टल एरिया विथ सेलिनाइजेशन प्रोसेस, यानी मैनग्रोव फॉरेस्ट किसको बोलते हैं ना, समुद्र किनारे के पास जो एरिया है ना वहां पर जो फॉरेस्ट दिखाई देता है उसको बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट, क्योंकि वहां पे थोड़ा अलग प्रकार का एक फॉरेस्ट दिखाई देता है। यहाँ पर जो फॉरेस्ट उगते हैं ना वो किसके ऊपर डिपेंड करके उगते हैं ना, सॉल्टी वाटर, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या ना समुद्र का पानी जब जो लैंड सरफेस में आता है ना उसके ऊपर सहन के क्या ना यहाँ का पेड़ उगते रहता है, जिसके हिसाब से यहाँ का पेड़ के डिफरेंट डिफरेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं। फर्स्टली क्या ना, सॉल्ट वाटर पेड़ सहन नहीं पाता है, इसीलिए पेड़ क्या ना अपना जो रूट है ना जमीन के नीचे तरफ ज्यादा से ज्यादा नहीं ले जाता है, वो कहना मान के चलो एक पेड़ है, ये जो रूट है ना जमीन के नीचे तरफ नहीं ले जाता है, वो जमीन के ऊपर तरफ आने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि हवा से जो पानी है ना वाटर वेपर उनमें से पानी कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उस पानी में सॉल्टी नहीं रहता है, जिसके हिसाब से यहाँ का जब रूट ऊपर आ जाता है उसको क्या जाता है ब्रिथ रूट, ठीक है ना, समटाइम वो रूट पेड़ का कांड में लग जाता है तो ऐसा लगता है पेड़ आराम कर रहा है किसी के ठेस देके, तो इसको क्या बोलते हैं चेयर रूट। ओके एक है ना मैनग्रोव फॉरेस्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्या है ना डिजर्ट फॉरेस्ट। डिजर्ट फॉरेस्ट क्या है ना, ना डिजर्ट फॉरेस्ट मोस्टली क्या है ना डिजर्ट एरिया में दिखाई देता है, तो डिजर्ट एरिया में जो फॉरेस्ट दिखाई देते हैं उसको डिजर्ट फॉरेस्ट बोलते हैं। इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या है, ऑलरेडी डिजर्ट एरिया में क्या ना हम लोग क्या जानते हैं लैक ऑफ वाटर, वाटर का बहुत कमी होता है, तो वाटर क्या ना हम सबका जीवन चलाने के लिए मेन एक कंपोनेंट है, लेकिन जब वाटर का कमी होगा उनमें से क्या ना एक ट्रीज का एक पेड़ का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या ना बदल जाएगा। क्या बदल जाता है ना, डिजर्ट एरिया में जो फॉरेस्ट दिखाई देता है उनमें से क्या ना उस फॉरेस्ट में जो पेड़ दिखाई देता है उनका क्या ना पत्ता नहीं उगता, क्योंकि एक पेड़ जब अपने आप ग्रो होके पत्ता उगने जाएंगे उस टाइम क्या ना उनका जो पानी का कमी है, मान लीजिए विटामिन है,
पानी का कमी के लिए उनका पत्ता पत्ता नहीं बनता है, वो पत्ता क्या ना कांटा बन जाता है, जिसके हिसाब से कहना यहाँ का पेड़ में ज्यादा से ज्यादा कांटा टाइप का पेड़ देता है, बाबुल, फोरी मोनसा एटसेट्रा। ओके, नंबर थ्री, माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट क्या है? मोस्टली माउंटेन एरिया में माउंटेन फॉरेस्ट दिखाई देता है, क्योंकि माउंटेन एरिया क्या है ना, जो स्लोप है ना, डिफरेंट स्लोप में डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट दिखाई देते हैं माउंटेन एरिया में। माउंटेन एरिया, वी नो दैट जब हम लोग लैंड सरफेस से जब ऊपर जाएंगे टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, कम होता है, उसके हिसाब से क्या ना माउंटेन एरिया में डिफरेंट टाइप का पेड़ दिखाई देते हैं। मोस्टली यहाँ पे जो पेड़ दिखाई देते हैं उसका जो पाइन, फार, ब्रूस, लार्च, बीच, ऐसा टाइप का पेड़ दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग क्रिसमस ट्रीज बोलते हैं। माउंटेन एरिया में ज्यादा से ज्यादा क्या ना क्रिसमस ट्री यानी पाइन, ऐसा टाइप पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि ऊपर क्या है ना स्नोफॉल के द्वारा यानी आइस फॉल के द्वारा नेचुरल पेड़ था, नेचुरल पेड़ था, जब इस पेड़ के ऊपर आइस फॉल हो रहा है, बर्फ पड़ रहा है, इसका डाल पत्ता क्या है ना कार हो जा रहा है, ठीक है ना, जिसके हिसाब से क्या है ना इस टाइप का पेड़ बन जाता है, ये क्या ना हमारा माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेन एरिया में दिखाई देते हैं। ओके, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट क्या। नेक्स्ट क्या ना कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अब आएंगे कंजर्वेशन फॉरेस्ट। सो पहले हम लोग जाएंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्यों जरूरी है ना, फॉरेस्ट डिप्लेशन होता है इसीलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन जरूरी है। तो फॉरेस्ट डिप्लेशन का कारण क्या है, डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, डिप्लेशन का कारण क्या है ना, मान के चलो चोरा चाला गांव का कुछ लोग जंगल में जाके जंगल का पेड़ काट के ले आ रहा है, कुछ विदेशी व्यापारी जंगल से पेड़ काट के चोरी करके बाहर बेच रहा है, ठीक है ना, समटाइम ये क्या ना डिप्रेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी जो फॉरेस्ट है ना वो कैसे कहते ध्वंस खत्म हो जा रहा है। फॉरेस्ट खत्म होने का कारण क्या है ना, फर्स्टली क्या ना ऐसी आम आदमी लोग जंगल में जाके क्या कर रहा है, पेड़ काट के भाग जा रहा है, पेड़ का डाल पर डाल पत्ता ये सब काट के लूट के ले जा रहा है, बाहर का कोई व्यापारी लोग आके पेड़ काट के बेच रहा है। समटाइम क्या होता है पेड़ जंगल का जो पेड़ है ना स्ट्रोम के द्वारा झड़ होने के टाइम क्या ना एक पेड़ का डाल के साथ दूसरे पेड़ का डाल मतलब घिसने के कारण क्या होता है आग लग जाता है जंगल में, ठीक है ना। और क्या है ना नोमेडिक पीपल लोग क्या है ना खेती वगैरह करने के लिए जंगल को जंगल का पेड़ काट देते हैं, जाके झूम कल्टिवेशन किया जाता है, जंगल का पेड़ काट के क्या है उसमें आग लगा देते हैं, उनमें से क्या ना पेड़ का संख्या कम हो जाता है, जंगल डिस्ट्रॉय होता है। और क्या है ना आर्थक्वेक के द्वारा कोई भी एक फॉरेस्ट एरिया मिट्टी के नीचे दब गया, उनमें से क्या है ना फॉरेस्ट डिप्लेशन होता है। और क्या है ना माइनिंग, कोई भी एक फॉरेस्ट एरिया में मान के चलो माइनिंग होगा, बहुत सारे एरिया जो गड्ढा बना के माइनिंग निकालेंगे उनमें से क्या है ना फॉरेस्ट डिप्लेशन होगा, तो ये सब कारण से क्या है ना फॉरेस्ट डिप्लेशन होता है। और फॉरेस्ट डिप्लेशन क्या है ना एक खतरनाक चीज है हमारा लाइफ में, क्योंकि फॉरेस्ट डिप्लेशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ जाता है दुनिया में। तो डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट को रोकने के लिए हम लोग को क्या जरूरी है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो हमको कंजर्वेशन के लिए क्या क्या स्टेप लेंगे, फर्स्टली हम लोग क्या जाने हैं फॉरेस्ट डिप्लेशन का मेन पहला कारण क्या है, जंगल से चोरा चालान होता है यानी लोग काट काट के लकड़ी काट के क्या ना बेच देते हैं, तो उसको हम लोग को रोकना है। इसके लिए क्या ना कानून के द्वारा सरकार के द्वारा हम लोग को फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, जिसके हिसाब से क्या ना नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरी यानी ऐसा कुछ फॉरेस्ट है जहां पे क्या ना अलग अलग प्रजाति का अलग अलग स्पेसिस का क्या ना कुछ एनिमल्स मिलते हैं, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर नाम सुने तुम लोग, वर्ल्ड का सिर्फ एक ही फॉरेस्ट में मिलता है सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन में। तो वो ये जो रॉयल बंगाल टाइगर इसको संरक्षण करने के लिए हमको पहले क्या जरूरी है, उस जंगल को संरक्षण करना है, तो इसके लिए क्या ना जंगल को क्या ना गवर्नमेंट के आवता में ले आना है, इसके लिए कहना चोरा चालान रुक जाएगा। ओके, नंबर सेकंड, जंगल में क्या ना एक पेड़ दूसरे के साथ घिसने के कारण जंगल में दावा ना हो यानी आग लग जाता है, तो उसके लिए क्या ना हम लोग को हमेशा क्या ना जंगल को क्या ना प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से ना ताकि एक पेड़ से दूसरा पेड़ का डिस्टेंस डिफरेंट हो सके। नंबर थर्ड, फॉरेस्ट को जो कंजर्वेशन करना है, मान के चलो कोई माइनिंग एरिया फॉरेस्ट एरिया में माइनिंग निकालना है, उनमें से क्या ना हम लोग क्या ना पूरा एरिया को गड्ढा बनाना है, आप
पूरा एक गड्ढा नहीं बनाना है, हम लोग को कहना वहां पे माइनिंग का प्रोसेस को कहना थोड़ा दूसरा करना है, गड्ढा बना के नहीं करना है, कहना टनल माइनिंग। यानी मान के चलिए ये बहुत ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया इसके नीचे माइनिंग है, अब मैंने ये पूरा फॉरेस्ट को काट के माइनिंग गड्ढा बना के माइनिंग निकालूंगा, इसमें से कहना फॉरेस्ट डिप्लेशन हो रहा है। अब क्या करेंगे ना, हमको सुरंग बना के यानी टनल माइन सुरंग बना के इसके नीचे आके माइनिंग करना है, ऊपर फॉरेस्ट जैसा है फॉरेस्ट रहेगा, नीचे से माइनिंग निकाल लो, ठीक है। और क्या है, सरकार के द्वारा कहना कुछ नियम नीति चालू करना है संरक्षण के लिए। ओके गाइस, तो आज का टॉपिक तो ऑलरेडी नेचुरल रिजर्वेशन एंड वाइल्ड जो लाइफ है इसके लिए हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट। हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट इस टॉपिक